तो पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को दिए नोटिस पर बीजेपी नेताओं के बयानबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने खुले मंच से विवादित बयान दिया है। तो रीवा के एक मैरिज गार्डन में पीएमआईसी अध्यक्ष सदस्य और बीजेपी पार्षदों की बैठक को संबोधित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने नगर निगम आयुक्त को खुली चेतावनी देते हुए जिंदा दफनाने की धमकी दे दी है। मिश्रा ने आयुक्त सभाजीत यादव का नाम लेते हुए कहा है कि वो रीवा को आदिवासी जिला ना समझे, ये धार झाबुआ नहीं है, रीवा में अच्छे अच्छे को निपटा दिए हैं। हालांकि उनके इस बयान को नगर निगम आयुक्त ने व्यक्तिगत सोच बताया। सरपंच से संसद का सफर तय करने वाले सांसद जनार्दन इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। नगर निगम का कमिश्नर सभाजीत यादव 20-20 लाख रुपए का चेक मांग रहा है, क्या आप 20 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपको आपके मकान को कानूनी जामा पहना दूंगा। इस वजह से आज हमारे जिले के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, हमारे सारे पार्षद और यहाँ के लोग हम इकट्ठा हुए हैं कि जो कोई भी रिश्वत मांगने आएगा उसको जिंदा वहीं गाड़ देंगे। और ये रिश्वत है और ये रिश्वत का पैसा सभाजीत यादव आधा रखेगा, आधा भोपाल को देगा।